मंगळवारी सायंकाळी चंद्रदर्शन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बुधवारी शिर्डी शहरात रमजान ईदची नमाज अदा करण्यात आली. सकाळी ईदगाह मैदान येथे मुस्लिम समाज बांधवांनी नमाज पठण केलं. यावेळी नगर दक्षिणचे नवनिर्वाचित खासदार डॉ सुजय विखे पाटील यांनी उपस्थित राहून मुस्लिम बांधवांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी शिर्डीचे प्रथम नगराध्यक्ष कैलास बापू कोते, ज्ञानेश्वर आबा गोंदकर, विलास कोते, दीपक वारोळे, ताराचंद कोते, अशोक गोंदकर, मधुकर कोते, मंगेश त्रिभुवन, दत्तू गोंदकर, डीवायएसपी सोमनाथ वागचौरे, पोलीस निरीक्षक कटके आणि मुस्लिम समाज बांधव यावेळी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. याप्रसंगी नवनिर्वाचित खासदार डॉ सुजय विखे पाटलांचा मुस्लिम समाज बांधवांच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. यानंतर डॉ सुजय विखेंनी उपस्थितांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. राधा कृष्ण जी विखे पाटिल की ड्यूटी शिरडी में रहती, लेकिन मुझे बेहद खुशी होती है कि इस बार मुझे पहली बार ईद के इस पावन मौके पे शिरडी में आने का मौका मिला और पहली बार आते हुए मैं सांसद के तौर पे इस जगह पे आया. मुझे बेहद खुशी है इस चीज की. उसी के साथ शिरडी में हमारे सब समाज बांधवों के लिए माननीय रामदास राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब ने बहुत सारे काम किए. ये काम होते हुए बहुत लोगों का इसमें सहभाग रहा. तो सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए माननीय मौलाना साहब के पे हमें आने का मौका मिला. हर बार हमने जिस जिस चीज की गुहाई दी है, जो जो आश्वासन दिए वो पूरे किए गए हैं. पिछली बार साहब जब आए थे तब ये पुल का भूमि पूजन हमने किया था, वो खत्म हो गया. ये शेड का काम हुआ है. ड्राइविंग ब्लॉक तो बहुत पहले खत्म हो गए थे, अभी मांग की गई. ये तो खुद के पैसे दिए थे, तब नगर पालिका हमारे पास नहीं थी इसलिए. लेकिन अब सबके सभी नगर सेवक हमारे हो गए बदली, जो परिस्थिति हमको दिख रही है. उर्दू स्कूल की रूम के लिए हमने खुद से, साहब ने 10 लाख रुपए दिए थे, ये पेविंग ब्लॉक में 10 लाख रुपए दिए थे. लेकिन अब जबकि नगर पालिका हमारे पास फिर से है और पूर्ण बहुमत से है, 17-0 हो ही गया. जो मैं काफी दिनों से साई बाबा से प्रार्थना कर रहा था, तो इसी आज ईद के इस पावन मौके पर मैं आपको गुहाई देता हूँ दो चीजों की. सबसे पहले ये जो कोई बचा हुआ एरिया है वो पूरा 6 महीने के अंदर पेविंग ब्लॉक से हम उसका सुशोभीकरण करके देंगे. उसी के साथ आज मैंने जब यहाँ पे आया तो माइक बंद हो गया, तो ये मुझे लगता है कि आगे दिक्कत ना आए इसलिए छोटे से जनरेटर की व्यवस्था भी मैं आपके लिए करके देता हूँ, ताकि वैसे तो लाइट ना जाए इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन कौन किधर आंकड़ा डालता है, बस कनेक्शन कट हो गया तो फिर इससे अच्छा है हम जनरेटर देने की कोशिश जरूर करेंगे. तो एक बहुत बड़े पैमाने पे आप सब लोग इस जगह पे आए आज रमजान ईद के मौके पे. शिरडी में या अपने रहाता परिसर में या शिरडी विधानसभा मतदार संघ में ये जो भाईचारा है हमने कायम रखा. कभी भी कोई भी दिक्कत किसी भी समाज के व्यक्ति को, भले ही वो मुस्लिम समाज का हो, बांग्लादेश समाज का, किसी को भी माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब के नेतृत्व में हमने कभी दिक्कत होनी नहीं थी. और मैं आपको गुहाई इस चीज की देता हूं कि आगे चल के भी ये भाईचारा बढ़ते रहेगा. किसी भी आम आदमी या गरीब आदमी को इस स्थिति में तकलीफ नहीं होगी, इस चीज का शब्द मैं आप सबको देता हूं. और आज रमजान ईद के मौके पे मैं मेरे परिवार की तरफ से, माननीय नामदा साहब इस जगह पे आना चाह रहे थे लेकिन वो मुंबई में है, आपने देखा रहेगा कल टीवी पे, और इंशाल्लाह जल्दी ही मंत्रिमंडल में उनका समावेश होगा. कोशिश यही रहेगी कि आज जो भी हमको आपके प्यार की वजह से जिस जिस पद पे हम कायम रहे, जो जो मंत्री पद हमें मिले, उससे हमने सिर्फ और सिर्फ समाज का ही विकास किया है, हर गटके का विकास किया है. इसलिए मैं आपको इस चीज की खातिर देता हूं कि आने वाले काल में बहुत चीजें बदलने वाली है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज नगर पालिका के तौर पर बहुत विकास श्रेणी में हुआ है. विखे साहब सीईओ रहे हैं और हमारे सब नगर सेवक और नगर अध्यक्ष और सब सभापति ने हर जगह पे बहुत सारे विकास काम हमको दिख रहे हैं, तो मुझे बेहद खुशी है कि आपने जो विश्वास
माननीय नामदार साहब के नेतृत्व में रखा है वही कायम रखी और हम मिलकर शिरडी का विकास करेंगे। आज इस रमजान ईद के मौके पर मैं अपनी तरफ से हमारे वित्तीय पहलू कुटुंबी की वजह से तरफ से हम सब नगर पालिका और कॉरपोरेटर्स की तरफ से आप सबको रमजान ईद की बेहद शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।